30 डिग्री ठीक है प्लस ओके। प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसमें क्या है, फिर बस इसका वैल्यू गड़बड़ आ रहा था। गड़बड़ क्यों आएगा, तो कहीं आपने गलती किया होगा। 10 30 कितना होता है, कितना होता है बताओ, बताइए बताओ बताओ। 10 30 1/√3 होता है। 1/√3 उसका स्क्वायर है, 10 45 वन होता है उसका स्क्वायर है, 10 60 √3 होता है उसका स्क्वायर है। 1/3 1 + 3 3 + 1 4 1/3 + 4 अगर एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, 13/3 यही आंसर होगा इसमें, यही है ना। यस सर, बुक में यही है। तो आपसे कहाँ गलती हो गया, ये इतना सिंपल चीज। दीपिका देखो आपसे कहाँ गलती हुआ, तो थोड़ा पहचाने, ऑनलाइन में ही प्रॉब्लम होता है, देख नहीं पाते बच्चे बना रहे कि नहीं बना रहे, कहाँ दिक्कत हुआ आपसे। सर आंसर में यहाँ तक मेरा भी सेम था, 1/3 प्लस 1/3, फिर हाँ उसके बाद उसके बाद अलग था। उसके बाद तो फिर ये आपका गलती है फिर तो। ये साहिल एनी डाउट? नो सर। पक्का श्योर? हाँ सर, हाँ सर, आवाज के कॉन्फिडेंस से पकड़ेंगे, झूठ नहीं बोलना। और टेस्ट के मार्क्स, और टेस्ट टेस्ट के मार्क्स ठीक है। वो लड़का आया, आयुष आ गया, चलो एक गणेश है। आयुष आयुष कोई डाउट, आयुष कोई डाउट बोलो। चलो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का इस क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो चलो इसको थोड़ा प्रूव भी कर लेते हैं, ध्यान से देखना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए ए बी सी, और मान लो ये वाला एंगल है थीटा, ये है 90, तो मुझे कोई बताएगा ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बोलो बच्चों। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, 180 में एक 90 हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 90। ध्यान से देखो, मान लो एंगल वन है ये एंगल टू है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू 90 होगा, कोई डाउट बोलो। नो सर। तो अगर एंगल वन थीटा है तो मुझे बताओ एंगल टू क्या होगा, एंगल टू होगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा ठीक है। दोनों का सम 90 है, एक थीटा है दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा ठीक है। तो चलो अब मुझे मान लो ये तीनों साइड है, कुछ भी नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, उसको बी नाम दो, इसको सी नाम दो, डजंट मैटर। अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच साइन थीटा, अब मतलब यहाँ इस जो साइड दिया उसके हिसाब से बताओ, ए बाई सी, ए बाई सी होगा, वेरी गुड, साइन थीटा हो गया ए बाई सी। अच्छा ये वाला एंगल मतलब 90 माइनस थीटा वाला एंगल, तो इसका कोसाइन क्या होगा, इसका कोसाइन क्या होगा, इस एंगल का कॉस क्या होगा, कॉस क्या होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, तो इसका एडजेसेंट कौन है ए, हाइपोटेनस कौन है सी, क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है, यस ए बाई सी, ए बी ए बी सी, मतलब यहां से मेरा फॉर्मूला हुआ, तो यहां से क्या फॉर्मूला हुआ वही कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। सिमिलरली अगर आप यहां निकालोगे, सिमिलरली अगर आप निकालोगे sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा होगा, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो। चलो चलो cos थीटा बता दो क्या होगा बच्चों, cos थीटा इस एंगल का cosine क्या होगा बोलो, b by c, b by c, वेरी गुड, और थोड़ा स्पेस का इशू हो गया, और यहाँ पर इस एंगल का साइन थीटा बताओ, साइन क्या होगा, बी बाई सी, बी बाई सी,
ये भी क्या होगा बी बाय अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस दिख रहा दोनों इक्वल है कि नहीं है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, गॉट इट बच्चों, क्लियर दीपिका? यस सर। तो मतलब यहां से यही मतलब फॉर्मूला निकला, तो इस तरह से और जो भी फॉर्मूला निकलेगा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, मतलब साइन और कॉस का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन और कॉस का एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसका ये हुआ कि मान लो साइन है 30 डिग्री जो भी वैल्यू होगा, इस एंगल को आप 90 से माइनस करो, इस एंगल को आप 90 से माइनस करो तो 90 माइनस 30 कितना होगा 60, वो एंगल कॉस के बराबर होगा, तो देखो दोनों होता है कि नहीं होता है, हम लोग वैल्यू याद रखे थे ना, साइन 31/2 होता है कॉस 61/2 याद है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर आप लोग ठीक से याद होगा तो ऐसे हम दिख पाए थे 30 डिग्री 60 डिग्री के बराबर था, 60 डिग्री इसका 30 डिग्री के बराबर था साइन कॉस के टर्म में, तो तो तो, तो मुझे बताओ नहीं तो साइन 20 अगर साइन 23 डिग्री कॉस का कौन सा एंगल के बराबर होगा, कॉस का कौन सा एंगल के बराबर होगा बोलो, मतलब उस एंगल को क्या कर देंगे हम लोग 90 से माइनस कर देंगे, तो 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, मतलब ये दोनों वैल्यू भी क्या होगा इक्वल ही होगा, इक्वल ही होगा, लिखेंगे कैसे एग्जाम में, एग्जाम में देखो ऐसे लिखेंगे है ना, साइन लिखो चलो 90 में से क्या माइनस करें कि 23 आ जाए, 90 में से 23 आ जाए 67, गुड आउट, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, कॉस मतलब ये वाला एंगल, समझ में आ गया दोनों इक्वल आया, जी साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसी तरह से मैंने टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, कोड आउट लास्ट बच गया sec और cos से, तो sec 90 माइनस थीटा क्या होगा कौन बताएगा, cosec cosec थीटा होगा है ना, उसी तरह से cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, ठीक है, डाउट होगा तो इस डायग्राम से देख लो क्लियर करके है ना, डाउट होगा तो इस डायग्राम से बना लेना, दोनों इक्वल है करेक्ट करेक्ट, लिख लीजिए लिख लो, बस इतना ही है, बहुत इजी सा एक्सरसाइज है, आज बहुत गर्मी है, हॉट, जैसे लिख लोगे बोलना सर, हाँ एग्जाम्पल के लिए छोटा सा ये देता है ना, छोटा सा ये देता है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, समझ में आया, सबको लिख लिए, ठीक है साहिल आपने, गणेश नो सर नहीं, अच्छा ठीक है लिखो, गणेश आया कि नहीं आया जी, ठीक है
चलिए यस सर देखिए ओके मतलब साइन का कोई भी एंगल को हम लोग कॉस के टर्म में लिख सकते हैं कॉस का कोई भी एंगल हम लोग को साइन तुम लिखिए था ना थोड़ा सा था बाकी चलो लिखा जाता है कोई दिक्कत नहीं इतना ही था चलो साइन का साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस थीटा सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इसका मतलब ये भी पता चला साइन का कोई भी एंगल वो कॉस के टर्म में लिख सकते हैं कॉस का कोई भी एंगल साइन के टर्म में लिख सकते हैं करेक्ट तो मुझे बताओ साइन अगर 67 डिग्री लिखना है इसको कॉस के टर्म में लिखना है तो क्या करेंगे अरे 90 में से क्या माइनस करेंगे 67 है बताओ हद है क्या माइनस करेंगे 23 तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट मतलब साइन को अगर मैंने डायरेक्ट अगर कॉस लिख दिया इस एंगल को सीधा 90 में से माइनस कर दो करेक्ट ये डायरेक्ट लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज में ये लिखना पड़ेगा साइन का साइन लिखो फिर देखो 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 67 आए अपने से देखेंगे समझ में आ रहा है बोलो दीपिका यस सर है ना स्टार्टिंग में पहले साइन के साइन लिखना फिर देखना 90 में से क्या माइनस करेंगे 67 आए फिर कॉस लिखना जैसे जैसे फिर एक्सपीरियंस होता जाएगा फिर साइन को डायरेक्ट कॉस में लिख करके इस एंगल को 90 से माइनस कर सकते हैं ठीक है सिमिलरली उसी तरह से बताओ मान लो 10 1 डिग्री है चलो 10 1 डिग्री है तो मुझे कॉट में लिखना पहले लिखेंगे ऐसे देखो 10 90 में से क्या माइनस करेगी 1 1 आए 89 तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट 1 कॉट 89 और जैसे एक्सपीरियंस होगा तो मान लो जैसे एक्सपीरियंस होगा तो सीधा 10 को कॉट में लिख दिए इस एंगल को सीधा 90 से माइनस कर करेक्ट ठीक है सिमिलरली साइन का कॉस चलो साइन का कॉस है 10 का 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है कॉट है ठीक है और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है कॉसेक थीटा ठीक है चलो साइन क्लियर यस सर हाँ इसको तो दो तो सिंपल से एग्जांपल लिख लो इलस्ट्रेशन वैसे इतना प्रैक्टिस हो ही जाएगा कि खत्म हो जाएगा चलिए ध्यान देना कंफ्यूज नहीं होना साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक लेकिन साइन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉस टैन का रेसिप्रोकल हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो टैन का कॉट के साथ ही है सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस होता है ठीक है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कोसेक करेक्ट ठीक है चलिए साहिल डन सर सिर्फ छोटा सा एग्जांपल है ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है थ्योरी वाइज तो कुछ है ही नहीं बस सीधा क्वेश्चन का प्रैक्टिस है बच्चों को स्कूल से अपडेट आ रहा है क्या कि क्या करेंगे टेस्ट लेंगे नहीं लेंगे कुछ ऐसा कुछ अपडेट मेरा टेस्ट हो गया अच्छा हो गया चलो ठीक है अब लोग सीधा बस क्वेश्चन पे जंप करते हैं थ्योरी पार्ट इतना ही ठीक है क्वेश्चन पे सीधा जंप करते हैं चलो छोटा छोटा क्वेश्चन है तो हलवा वलवा से क्वेश्चन है जैसे कि लिख लेते हैं चलो फिर भी बोल के नहीं रखना चाहिए ठीक है जैसे कि साइन 23 डिग्री
और cos 67 डिग्री, हम छोटा सा लिख रहे हैं दो तीन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, cosec 31 डिग्री और यहाँ पर sec हो जाएगा 59 डिग्री, ठीक है, और sin 16 डिग्री माइनस cos 74 डिग्री, ठीक है, और साइन क्या 23 डिग्री और 67 डिग्री स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 23 डिग्री साइन 67। चलो इस चारों क्वेश्चन का हम लोग बनाते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो देखो सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना साइन है नीचे क्या है कॉस। हम लोग हमेशा देखेंगे कि क्या कौन सा दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कौन सा दो एंगल का सम 90 है, जिसका सम 90 है तो उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखो क्या 67 प्लस 23 90 है, देखो तो क्या दोनों का सम 90 है, द आंसर इज यस। इसका मतलब साइन को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं या तो फिर इस कॉस को साइन के टर्म में लिख सकते हैं, आपको खाली बस कोई एक चेंज करना है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो। चलो हम न्यूमरेटर को करते हैं, तो साइन लिख दिया, अब 23 देखना भूल जाओ, बताओ 90 में से क्या माइनस करेंगे 23 हो जाए, सीधा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट देखो, सीधा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट देखो कितना है 67, समझ में आया, मतलब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको कॉम्प्लीमेंट्री देखना जरूरत है। नीचे क्या है, नीचे देखो कॉस 67 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस 67, कट गया कि नहीं कट गया, आंसर इज बोलो वन, करेक्ट करेक्ट बोलो बच्चों, yes. हाँ देख रहा है, ये क्या ये दोनों एंगल का सम 90 है, 90 है yes. साहिल बोलो कुछ हो, साहिल तुम बोल नहीं रहा, हाँ सर बोलो बोलो, पार्टिसिपेट करो, तीन चार को हुई अच्छा से पढ़ो, ठीक है, दोनों का सम 90 है, इसका मतलब इस कॉस को सेक कोसेक को सेक में बदल सकते हैं या फिर इस कोसेक को सेक को कोसेक में बदल सकते हैं, तो देख रहा ना बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी आंसर कितना होगा देख के बताओ, जीरो 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 नहीं बता, नहीं सब डॉट वाला, अरे तू अभी देख के जीरो जीरो कैसे बोल सकता है, नहीं सब बना, कितना होगा वन होगा, कितना होगा वन होगा, देखो ऐसा लिखा कोसेक, अच्छा अब एंगल के बारे में देखो, 90 में से क्या माइनस करेंगे 31 है, सीधा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट देख लो, ठीक है भाई क्या हो जाएगा sec 59, तो दिख रहा ना sec थीटा मतलब sec 59 डिवाइड बाय sec 59, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1, क्लियर क्लियर दीपिका, क्लियर यस। अब मुझे को इसका बताओ, देखो क्या पहले देखो क्या ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, हां सर 90 बाय 60 मतलब इस साइन को कॉस में बदल सकते हैं या फिर इस कॉस को साइन में बदल सकते हैं, कोई एक ही बदलना है, चलो इस साइन को बदलिए अगर हां 90 माइनस 74 ना 90 माइनस 74 तो 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, समझ में आया, इसको हम नहीं बदले और ये दोनों कट गया, आंसर इज जीरो, क्लियर साहिल, यस सर, ये वाला क्वेश्चन देखो sin 23 cos 67 cos 23 sin 67, देखो क्या पहले एंगल देखेंगे, पहले बदलेंगे एंगल, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यस सर, हाँ ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, या तो फिर साइन को कॉस में बदलिए या फिर इस कॉस को साइन में बदलिए, कोई भी एक काम करेंगे, चलो कौन सा काम करते हैं, चलो 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 बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 में से क्या माइनस करेंगे 23 और सीधा 67, समझ में आया, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, हम सभी को 67 डिग्री के टर्म में लिख रहे हैं, करेक्ट, देखो कैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 67,
और ये इसका cos 67, समझ में आया? तो ये cos स्क्वायर ये कितना हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया मेरा, देखो ध्यान से देखोगे तो cos स्क्वायर 67 डिग्री, करेक्ट 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 बोला हाना? हाँ सर। हाँ चलो अब यहाँ देखो, ये cos 23 sin 67, तो क्या इस cos को मैं sin में बदल सकता हूँ, क्योंकि दोनों सब कॉम्प्लीमेंट्री है ना, इसको मैं sin 67 लिख सकता, देखो तो बच्चों जल्दी बताओ cos 23 को क्या मैं sin 67 लिख सकता हूँ, है ना? ये sin 67, ये sin 67, तो मिलके कितना हो गया sin स्क्वायर, प्लस है तो प्लस sin स्क्वायर 67, करेक्ट? यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? साहिल? नो सर। तो साइन देखो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा ना थीटा थीटा मेरा सेम हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, तो इसका आंसर भी वन, इसका आंसर वन, इसका आंसर जीरो, इसका आंसर वन, करेक्ट करेक्ट। खाली क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के बाद खाली आंसर लिखना है, बाद में आप लोग स्पेस छोड़ देना, आप लोग समझ में आ गया बाद में बना लेना, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन लिख लीजिए और आंसर जरूर लिख लीजिए, ठीक है? 1 1 0 1। क्या हो गया सॉल्यूशन? समझ में आ गया ना सॉल्यूशन दीपिका? यस सर। खाली क्वेश्चन लिखिए, एक्चुअली स्पेस नहीं था इसलिए, अब हम कम क्वेश्चन लेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे, फिर अच्छा सॉल्व करेंगे इसको। लिख लीजिए, लिख लिए? यस सर। ओके चलिए, ओके तो अब हम लोग धीरे धीरे ज्यादा प्रोसीड करते हैं, जिससे भी आसानी क्वेश्चन है। 5 नंबर छोटे छोटे है, 3 cos cos है ना, cos 80 डिग्री है ना, कॉसेक 10 डिग्री, इसके बाद प्लस 2 सेक 15 है, साइन 15, साइन 59 डिग्री और सेक 31 डिग्री। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, देख लो, दिखा 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 दिखा, हम लोग पहले क्या देखेंगे, कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या देखो, तो 80 प्लस 10 कॉम्प्लीमेंट्री है ना, मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। यस सर। इसका मतलब कोई भी बदल सकते, कोई भी एक बदलो, चाहे ये बदलो चाहे ये बदलो, तो कॉस किसे बदलता है, साइन बदलता है, कोसेक किसे बदलता है, सेक, सेक में बदलता है, कोसेक किसमें, कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सेक है, ठीक है। चलो पहले का 3, चलो हम इसको ऐसे किस रहने देंगे 80 डिग्री, हम इसको बदलेंगे, कोसेक पहले कोसेक का कोसेक ही लिखेंगे, अब देखेंगे 90 में से क्या माइनस करें कि 10 डिग्री है, सीधा कॉम्प्लीमेंट्री, सब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ठीक है, सिर्फ प्लस 2 साइन, चलो साइन रन लेते हैं, इसको 59 डिग्री बदलते हैं, तो सेक पहले लिख दिया, देखो इनटू में सेक, तो 90 में से क्या माइनस करें कि 31 आए, करेक्ट, नो डाउट, ध्यान से देखो ये क्या cos 80 डिग्री, ये कितना cosec, cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा,
प्लस टू साइन 59 डिग्री को ऐसे चीज रखें इनटू क्या आएगा sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बोलो बच्चों cosec थीटा करेक्ट बोलो हाला इसे कोई दिक्कत मेरे कैसे कोई दिक्कत नहीं होगा अब ध्यान से देखो इसको रेड पेन से करते हैं देखो cos थीटा इनटू sec थीटा क्या होता है बोलो बच्चों cos थीटा इनटू sec थीटा क्या होता है अरे cos का रेसिप्रोकल है ना सर वन हाँ ना cos sec को हम लिख सकते हैं ना वन बाय cos थीटा कट गया ना आंसर कितना आ गया वन तो cos थीटा देखो थीटा मतलब वो एंगल और देखो एंगल सेम है तो थीटा थीटा हो सकता है तो cos थीटा इनटू sec थीटा का वैल्यू कितना हो गया वन ये करेक्ट सिमिलरली sin थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा वन हो जाएगा यहाँ से थ्री यहाँ से टू हो गया फाइव समझ में आया साहिल हाँ क्या नहीं आया सर आवाज नहीं आ रही सर कॉस कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकते हैं सर कॉस एक्चुअली आपका आवाज नहीं आ रहा आयुष तो एक बार कनेक्ट हो गया कनेक्ट कर सकता है बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा तुम देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है ना देखो यहाँ से देखो साइन 59 डिग्री है कोसेक 59 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन 59 डिग्री लिख सकते हैं ना देखो कट गया कि नहीं कट गया क्या ये आंसर इसका रेसिप्रोकल हाँ बोलो बोलो सर बोल रहे थे सर कॉस कॉम्प्लीमेंट्री सर 80 और 10 डिग्री है ना सर थीटा लेकिन सर कॉस तो कॉम्प्लीमेंट्री साइन से तो सर कोसेक से कैसे कर दिए सर कहा कोसेक से कॉस कोसेक से तो मल्टीप्लाई सर ऊपर सर थ्री कॉस 80 डिग्री कोसेक 10 डिग्री तो सर कॉम्प्लीमेंट्री तो साइन है ना सर तो आप आगे सर बढ़ गए तो कहा तो हम इसको चेंज नहीं किए हम खाली इसको चेंज किए नहीं समझा हो मतलब क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हाँ है तो दोनों को 80 डिग्री मिल सकता है या फिर दोनों को 10 डिग्री मिल सकते हैं तो इसको हम 80 डिग्री ही रहने दिए ठीक है कॉस तो कॉस ही रहने दिए अब इसको अगर मुझे 80 डिग्री मिलना होगा तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना तो कोसेक में से क्या 90 में से क्या माइनस करें कि 10 डिग्री हो क्या माइनस करेंगे नहीं समझा कोसेक तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है देखिए तो है कोई जरूरी नहीं क्या साइन ही हो कोई जरूरी नहीं है करेक्ट अगर खाली ऐसा ही क्वेश्चन तो वैसे कर सकते नहीं कर सकते बोलो तो नहीं सर वही पूछ रहे थे है ना अगर खाली यही क्वेश्चन तो वैसा कर सकता है तो बस इसको 80 डिग्री में रखें एक्चुअली दोनों का एक्चुअली एंगल सेम करना होता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का एंगल सेम करना होता है ठीक है यही ध्यान रखना एंगल सेम करना तो 80 डिग्री है या तो फिर दोनों को देखो 10 डिग्री में भी कर सकते हैं चलो 10 डिग्री में करना ध्यान से देखो 10 डिग्री में करना चलो मुझे बताओ मतलब इसको बदलना पड़ेगा तो 90 में से क्या माइनस करें 90 से क्या माइनस करें कि 80 है क्या माइनस करें 10 समझा समझा बोलो हाना यस सर तो ध्यान से देखो 3 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin sin थीटा इनटू क्या है cosec 10 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ध्यान रखना बच्चों वो sin और cos वाला नहीं ठीक है नहीं सर मेरा एंगल में दिक्कत नहीं था सर देख रहा है अच्छा मुझे बताओ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होगा वन होगा देखो 3 × 1 = 3 सेम ही चीज आया कि नहीं आया तो कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब याद रखना एंगल सेम करना होता है ठीक है तो एंगल सेम करना है 80 है उसको 80 में रखेंगे 80 में करने के लिए देखो सेक 80 हो गया अब ये देखो ये दोनों अपने आप पर रेसिप्रोक करना ठीक है करेक्ट करेक्ट एंगल सेम करना है ठीक है वो मत ध्यान देना कि यहाँ कौन सा दे साइन है नहीं नहीं गलत गलत गलत
ये साइन है तो कॉस है, नहीं 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 ठीक है वैसा नहीं, वो मतलब है कि अगर साइन वाला एंगल को 90 से माइनस किया तो कॉस होता है, उसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री अलग है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, ठीक है चलिए लिखिए, लिख लिए। यस साई लिखा, नहीं सर समझा समझा, हाँ सर बना, क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन लिखा था, हाँ सर लिख लिया, हाँ बस आंसर इसका 5 है, ठीक है। बगल में क्या करो, आंसर लिख लो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, आंसर लिखो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, ठीक है। इतना देर से कर क्या रहा था जी। देखो अगला क्वेश्चन, 1067 आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको प्रूफ करना कि ये वन है। देखो तो 48 वाला को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, देखो तो 48 वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, देखो तो देखो तो देखो तो बोलो 48 में क्या जोड़ेंगे, 90 हो जाएगा, कौन है 23 तो नहीं होगा, 16 तो क्या है, देखो इन दोनों को जोड़े 90 होगा, नहीं होगा, एंगल सेम हुआ, मतलब दोनों का सम 90 हुआ, बच्चों बोलो बच्चों बोलो बच्चों, यस सर है ना, तो इन दोनों को साथ में रख लेंगे, साथ में रख लेंगे, इनटू सब तो मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टी, सब मल्टीप्लाई है, ठीक है सब मल्टीप्लाई है, तो ये साथ में रख लिया। अब देखो तो इस एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, दोनों का सम 90 है ना, इन दोनों एंगल का सम, इन yes, दोनों को साथ में रख लिया, इन दोनों को साथ में रख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो देखो दोनों एंगल्स हम 40 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों को 48 डिग्री में कर सकते हैं या फिर दोनों को 42 डिग्री में कर सकते हैं, देखो दोनों सम 90 है तो दोनों को 23 डिग्री में कर सकते हैं या फिर दोनों को 67 डिग्री में कर सकते हैं, कोई भी एक लो, कोई भी डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। तो 1048 का 1048 ही रखे, ध्यान से देखना, 10 लिखा, ये इनिशियल स्टेप इसलिए करवा रहे, बाद में इतना करवाएंगे नहीं, बोलो 90 में से क्या माइनस करे कि 42 आए, 48 समझ में आया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री करेक्ट। तो देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, 10 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, करेक्ट। क्या दोनों का एंगल सेम हो गया, हाँ हो गया। अब मुझे बताओ 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, बोलो वन होता है ना, कैसे समझ में आ रहा है, cot 48 को हम ले सकते हैं ना, 1/10 48 डिग्री लिख सकते हैं ना, बोलो बच्चों, और ये कट गया, अल्टीमेटली कितना हो गया 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो 1 हुआ, अब यहाँ पे इनटू है अगर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो भी कितना आएगा 1 इनटू 1 कितना हो जाएगा 1, प्रूव हो गया। चलो देखो 23 और 67 किसी एक में बदलेंगे, तो 23 डिग्री में बदलो, डजंट मैटर, तो 1067 को बदलना पड़ेगा, तो 10 फिर देखो यहां से यहां लिखा शॉर्टकट में, 90 में से क्या माइनस करूं कि 67 आए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, समझ में आया बोलो, यस सर, 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, दिख रहा है ना, 10 theta into cot theta कितना हो जाएगा 1, 1 into 1 1 लिख लीजिए। अब थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा चलो बच्चों लिख लो, दीपिका क्लियर, यस, इसको प्रैक्टिस करना, खाली क्वेश्चन ही लिखो, पूरा सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आएगा कैसे बन हुआ, बस क्या देखना था जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था सटा के बस लिख दिया और सबको एक एंगल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब सबको नहीं, इन दोनों का एक वाला एंगल, इन दोनों का एक वाला एंगल,
तो सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया ना, स्पेस छोड़ देना, ठीक है। बोलो बच्चों, मिटा दूं? नहीं मिटाए? मिटाइए सर। मतलब ऐसे क्या होगा ना, मान ले अगर आपको समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा, मैंने आंसर लिखवा दिया, छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, दो दो तीन तीन स्टेप, दो स्टेप का ये सर, तो उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, क्लास जैसे खत्म हो वैसे करना, तो आपको ध्यान में पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब यहां से आपको पूरा लिखना है, यहां से जो करवा रहे हैं। जैसे देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, cos 38 डिग्री है ना, cosec 52 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। चलो देखो, क्या देखो, क्या ये दोनों एंगल का सम, बोलो 90 है, यस सर, बोलो है 90 है ना, 90 है ना, इसको मतलब दोनों को 58 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर दोनों को 32 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस को 32 में होगा, चलो कॉस को मैं इसको 32 डिग्री में लेकर, तो ये देखो साइन 32 हो जाएगा, बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा साइन, हां हो जाएगा, बिल्कुल। हम नहीं चाहते इतना लिखना, इसलिए बहुत लिखना पड़ता है, मतलब जरूरी नहीं है, आपको समझ में आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो ऐसे हमको लिखना पड़ेगा, कॉस 90 में से क्या माइनस करेगी 58 हो 32, समझ में आया ना, अभी नहीं लिखेंगे, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, मतलब sin 32, और ये sin 32, ये sin 32 कट जाएगा, तो इसका मतलब कट छट के क्या बचेगा, खाली बोलो क्या, खाली क्या बचेगा, क्लियर दीपिका, समझ में आया, बोलो yes, sir. नहीं समझ में आया, हेलो आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर, देखो शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन लिए थे हम लोग, हम नहीं चाह रहे, चलो लिख देते पूरा अच्छे से लिखते, चलो cos 90 माइनस, तो 90 में से क्या माइनस करेगी 58 हो, क्या माइनस करे, जस्ट इस एंगल का कॉम्प्लीट मेंट्री, नहीं समझे है ना, कॉस का कॉस लिखो, अब दे इसे 58 को लिखना ना, तो 90 में से क्या माइनस करेंगे, तो दिमाग नहीं लगाएंगे सर, जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही, ठीक है साइन 30, ठीक है। चलो देखो ये सब नहीं, देखो फालतू स्टेप, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 32, और नीचे भी क्या है साइन 32, तो ये कट छड़े क्या बचेगा खाली, समझ में आया yes. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि फिर हम बार बार करें, तो ध्यान से देखना, क्योंकि तो लिखना पड़ता है जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कैसे नहीं है, देखो 38 है 52 है, तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, बोलो बोलो बच्चों, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो या तो फिर दोनों को 38 डिग्री में लिख सकते हैं या फिर दोनों को 52 डिग्री में लिख सकते हैं, डजंट मैटर, तो आप कुछ भी चूज करो, चलो 38 ही डिग्री चूज करते हैं, बहुत लोगों को दिख रहा होगा इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, अब किए भी इस टाइप का क्वेश्चन 38 रखा, तो कॉसेक लिख दिए पहले, कॉसेक लिख दिए, अच्छा 90 में से क्या माइनस करेगी 52 हो 38, ठीक है, तो देखो नीचे हम सॉल्व कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे cos 38 cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, करेक्ट, देखो एंगल दोनों का सेम हो गया, और cos थीटा इंटू sec थीटा कितना होता है, कितना होता है
बोलो वन वन होता है, ठीक है, चलो वेरी गुड। सिमिलरली यहाँ पे देखो, नीचे देखो तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, अगर तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो देखो तो कौन कौन का सम 90 है, आपको खाली बस यही देखना है, ये तो 90 नहीं, ये तो 90, हाँ 15 प्लस 75 90 डिग्री है, करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों को साथ में क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, ठीक है। ये रहा 10-15 डिग्री इंटू 10-75 डिग्री इंटू 10-60 डिग्री, 10-60 डिग्री का हमको ऐसे भी वैल्यू पता है तो कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। लो अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, वन, इन दोनों को 10 वन आएगा, क्यों, दोनों को 15 डिग्री में कर दो, 10 15 को छेड़ने जरूरत ही नहीं है, 10-75 को हम देखो तो cot 15 डिग्री लिख सकते हैं, यस सर, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके 10 90 में से क्या माइनस करेंगे 75 को 15, तो 10 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा, cot थीटा, मतलब मतलब cot 15, क्लियर, और 10 थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा, वन, क्या लिख दिया मैंने 10-15, इसको मैंने क्या लिख दिया 10-75 को हम लोग cot 15 डिग्री लिख सकते हैं इंटू 10-60, 10-60 का हमको वैल्यू पता ही है कितना होता है, रूट थ्री, ठीक है, कितना होता है रूट थ्री, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा वन, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा वन, यहाँ आया रूट थ्री, रूट थ्री कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे टू बचा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वन, टू माइनस वन कितना होगा, क्या सबको क्लियर हुआ, दीपिका, यस पक्का ना, लिख लीजिए, तो अब जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस होगा तो हम पता डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट कन्वर्ट, मतलब जो हम ये स्टेप लिख रहे हैं ना, देखो cos 58 को हम ये स्टेप लिख रहे हैं ना, cos 90 माइनस 32 फिर sin 32, इसको आप हम लोग डायरेक्ट लिखना आना पड़ेगा, आ जाएगा, हम क्या बोले थे cos होकर मुझे sin में लिखना है तो उस एंगल को सीधा क्या कर दो 90 में से माइनस कर दो, तो 90 माइनस 58 कितना होगा 32, दिख रहा है ना, अब समझ में आया, अब समझ में आया दीपिका, सब बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, बट कुछ खतरनाक नहीं था, समझ में आया दीपिका, तो ये स्टेप है ना, ये वाला स्टेप थोड़ा मेरे लिए कम लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यहां से यहां जंप कर सकते, क्लियर, बोलो बोलो, पहले हां ना बोलो तभी लगे कि हां समझ में आए, तो धीरे धीरे चलेंगे, यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से पढ़ेंगे, बहुत समय, वैसे भी ये हमारा छठा चैप्टर है, ठीक है, इसको लिख लो, इसको पूरा लिख लो, इसको हम देखो पूरा अच्छी तरह से सॉल्व किया है, तो जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस होगा तो हम देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो कॉस से कॉम सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेक लिख देंगे डायरेक्ट, और उस एंगल को क्या कर देंगे, उस एंगल को सीधा 90 में से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा 38, समझ में आया, तो ये वाला स्टेप एलिमिनेट हो जाएगा, हालांकि अभी आप लिखो ये वाला स्टेप, चलिए जैसे लिख लोगे बोलना, हाँ सर लिख लिए, ठीक है, यस सर लिख लिए, नो सर नो, ठीक है चलो लिखो, यस सर, ठीक है चलो।
आयुष गणेश आया कि नहीं आया, देखो तुम वो आता है सर, आया है सर लेकिन खामोश है। गणेश आचार्य, ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखने का चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते। चलो सेक सेक 49 डिग्री, चलो मैं डायरेक्ट कोसेक में लिखना चाहता हूं, डायरेक्ट कोसेक में लिखना चाहता हूं, डायरेक्ट। तो अगर सेक को अगर मैं सीधा कोसेक लिख दिया तो उस एंगल को क्या कर देंगे, 90 से क्या कर देंगे सीधा, बोलो माइनस माइनस 90 माइनस, मतलब माइनस करके लिख देना है, ऐसा नहीं लिखना कि 90 माइनस 49, ठीक है ऐसा मत करना, डायरेक्ट लिख देना 90 माइनस 49 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है तो 90 माइनस 41 डिग्री, समझ में आया, करेक्ट बच्चों। चलो cot 81 डिग्री, चलो cot को मैं डायरेक्ट 10 में लिखना चाहता हूँ, 10 लिख दिया और इस एंगल को सीधा क्या करना है, 10 9 10 9 है ना, और स्कूल में ऐसे बीच वाला स्टेप ऐसे लिखना है, ठीक है cot पहले cot cot लिखा, 90 में से देखेंगे क्या माइनस करेंगे कि 81 हो 9 हो, cot 90 माइनस थीटा क्या जाएगा 10। चलो बस ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और हमारा काम हो जाएगा। चलो करो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, करो प्लस कॉस 49 डिग्री कॉसेक 41 डिग्री माइनस 2/3 टेन 20 डिग्री टेन 60 डिग्री टेन 70 डिग्री फिर माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसको चलो सिंप्लीफाई करना, ठीक है क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बिल्कुल भी दम नहीं है, कैसे देखो, देखो क्या ये दोनों बच्चों एंगल का सम देखो 90 है, बोलो हाँ ना, यस सर बिल्कुल है, सर टेन 20 और टेन 70 भी है ना, तो दोनों को 41 डिग्री मिल सकते हैं, दोनों को 49 डिग्री मिल सकते हैं। चलो हम 41 डिसाइड ही करते हैं, 41 डिसाइड किए तो सेक 41 को 41 होने दिए, अब डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट साइन है ना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, बोलो कॉस, अब कॉस जब लिख देते हैं तो इस एंगल को सीधा क्या करते हैं माइनस 90, तो 90 माइनस 49 कितना होगा 41, बस समझ में आया दीपिका, देखो है ना, यस ओके चलो प्लस जो दिख रहा है एंगल सेम हो गया, तू देखो ना है ना cos थीटा into sec थीटा, cos थीटा into sec थीटा कितना होता है 1, सिमिलरली यहां देखो 49 डिग्री 41 डिग्री, या फिर दोनों को 49 करो या फिर 41 करो डज नॉट मैटर सर, वो भी 1 होगा, हां ये भी कितना होगा 1 होगा, सीधा मैं लिख रहा हूं सीधा यहां से क्वेश्चन है, इसको मैं लिख रहा हूँ सीधा 1, समझ में आया, क्या बनाने की जरूरत है बोलो, क्या लिखने की जरूरत है बोलो बच्चों, चलो लिख ही देते हैं, चलो बहुत लोगों को डाउट होता है, cos 49 डिग्री, चलो हम दोनों को 49 में रखना चाहते हैं, अगर cosec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है sec होता है, तो उसके बाद एंगल अगर cosec को sec में लिखेंगे तो एंगल को सीधा क्या कर देंगे 90 में से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 41 कितना होता है 49 डिग्री, दिख रहा है, अब मुझे बताओ cos थीटा इनटू sec थीटा कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किए तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ठीक है अब जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा बनते जाएगा, अब मुझे बताओ किन दोनों को क्लब करें, बोलो बोलो 20 डिग्री 20 का किसके साथ करें, इसके साथ देखो तो 70 डिग्री प्लस 8 से 3 दोनों करें, तो मतलब tan 20 और tan 70 साथ में लिखेंगे और tan 60 का तो वैसे भी हमको वैल्यू ये 1 प्लस 1 2 2 बाय रूट 3 देखो, तो इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा दीपिका का खुद बताओ कितना आएगा, 1 आएगा सर, सॉरी 1 आएगा, तुम दीपिका है 1 आएगा, गलती से मुंह से निकल गया रूट 3 इसका आएगा 1 और इसका वैल्यू होता है रूट 3 करेक्ट, तो ये रूट 3 कट गया, यहाँ पे बचा 2 माइनस 2 2 माइनस 2 कितना होगा 0,
करेक्ट करेक्ट यस करेक्ट सर हाँ करेक्ट चलो चलो एक बेसिक से लॉजिक से क्वेश्चन देते हैं चलो पहले लिख लो इसको लिख लो आराम से लिखो चलो सर नीचे में उसका लास्ट पार्टनर था -3 वाला कौन सा -3 क्या अच्छा 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 हाँ 3 मल्टीप्लाइड था नहीं अच्छा ये वाला तो हम सॉल्व ही नहीं किया तो चलो इन दोनों को सॉल्व किया यहाँ तक तो जीरो हो गया तो हम देखे ही नहीं तो अगर हम नहीं देखे तो हमको cos 45 का वैल्यू पता है ना पता है sin 90 का वैल्यू पता है तो हम लोग सीधा वैल्यू भी रख सकते हैं चलो यहाँ पे हम ब्लू पेन से सॉल्व कर लेते हैं cos 45 कितना होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 ठीक है साइन 90 साइन कैसे आता है जीरो से वन मतलब ये वन होगा वन का स्क्वायर भी कितना होगा वन करेक्ट और बाहर क्या है बाहर है मेरा -3 तो आधा में से एक गया तो बचा माइनस आधा और ये रहा तो माइनस माइनस हो जाएगा +3/2 अच्छा इसका आंसर +3/2 हो जाएगा ठीक है कितना आंसर हो जाएगा 3/2 माइनस हाफ और माइनस माइनस प्लस अब बाहर 3 है तो -3 × 1/2 +3/2 ठीक है ये आंसर हो जाएगा चलिए करेक्ट अभी ये बिल्कुल जो मैनिपुलेशन है बिल्कुल बुक का सारा एग्जांपल बनाना है एक्सरसाइज बनाना है ठीक है आंसर -3/2 आएगा ना -3/2 कैसे आएगा +3/2 आएगा ना ओहो, देखो अरे 1/2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा अंदर वाला -1/2 हो जाएगा और बाहर भी क्या -3 है तो वो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है yes. प्लस हो जाएगा बाहर ही माइनस प्लस मिटा दे रब कर दे नो सर गणेश लिख लीजिए ठीक है गणेश तुम बोलता क्यों नहीं हो कुछ कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है लेट भाग गया सर भाग गया वो आता है बस घर में दिखाने के लिए क्लास कर रहा है और सीधा उसके बाद जाता है पबजी खेलता है टिकटॉक वीडियो बनाता हूँ टिकटॉक तो बैन फ्री फायर खेलता है फ्री फायर टिकटॉक तो बैन भी हो गया ये सब दिक्कत तो है कम से कम ऑफलाइन में डर के बहाने बैठ तो जाता था लिख लेता था अब घर में लिखता नहीं लगता तो पता ही नहीं चलता इसलिए हम बात करते रहते हैं आप लोग लिख रहे तो नहीं ठीक है बच्चों अब लिख लिए होमवर्क का भी शुरू होमवर्क मुल नहीं देख पाते तो ये रहा ठीक है अच्छा देखो ये सिंपल क्वेश्चन है जैसे कि ये देखो साइन 85 डिग्री लिखा है प्लस कोसेक 85 डिग्री लिखा है ठीक है और बोल रहा है ना ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना इसको 0 से 45 डिग्री के बीच में लिखना है 0 से 45 डिग्री के बीच में लिखना है तो हम लिख सकते हैं मतलब 85 डिग्री से ज्यादा ना हमको खाली इसको लिखना है 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में लिखना है थीटा का वैल्यू मतलब ये लाइन चलो लिखो अगर साइन को मैं सीधा लिखूं क्या
कॉस एंगल को क्या करता हूँ मैं 90 से माइनस करता हूँ फाइव हो जाएगा कॉस फाइव कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक के क्या होता है सेक फाइव सेक फाइव तो देखो दोनों एंगल जीरो से 45 डिग्री के बीच में आ गया यही मेरा आंसर हो गया ठीक है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कुछ पढ़ा चीज नहीं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन चलो ये लेते हैं ये वाला देखो ध्यान से देखो एक ठो एक करवा देता है साइन थ्री ए इज इक्वल टू लिखा है कॉस ए माइनस 36 डिग्री कॉस साइन का साइन थ्री है कॉस ए माइनस 26 डिग्री सॉरी 26 डिग्री है ना चलो हमको बोल रहा है कि ए का वैल्यू फाइंड करना है क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए चलो करेक्ट ठीक है तो अभी हमने क्या बोला था चलो ये देखो साइन के टर्म है ये कॉस के टर्म है तो दोनों को हम लोग या फिर दोनों को कॉस के टर्म में रखेंगे पिछला याद है जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे एंगल निकाले इक्वल टू रहे तो दोनों अगर एक टैन है तो दोनों को टैन में रखेंगे याद आ रहा है ना जैसे कि टैन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री है तो इसको एंगल में लिखेंगे टैन के टर्म में लिखेंगे करेक्ट तो यहां से हमको पता चलता था थीटा का वैल्यू कितना हुआ 60 डिग्री उसी तरह से अगर दोनों जगह साइन रखेंगे तो बढ़िया होगा दोनों जगह कॉस रखेंगे तो भी बढ़िया होगा यहाँ साइन में है कॉस में तो अभी हम लोग बताएंगे साइन को अगर मैं सीधा कॉस में लिखूं तो उस एंगल को क्या करता हूँ सीधा 90 से क्या करते हैं माइनस है ना तो देखो 90 माइनस क्या कर देंगे 3 है कोई डाउट देख लो ना कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा ठीक है और यहाँ पर क्या है कॉस ए माइनस 26 ये देखो कॉस ऑफ समथिंग एंगल है ये भी कॉस ऑफ समथिंग एंगल है मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे एंगल क्या होंगे नहीं इक्वल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं इक्वल अगर cos theta is equal to cos 60 degree है इसका मतलब क्या पता चला theta का वैल्यू क्या होगा इक्वल 60 उसी तरह से ये भी है ऐसे नहीं काटना नहीं है ठीक है काटना नहीं है काटना मैथमेटिकली गलत हो जाएगा तो cos of ये एंगल इज इक्वल टू cos of ये एंगल इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल बस सॉल्व कर लेंगे है ना इसको a is equal to 29 होगा और देखते हैं 26 हो गया तो कितना हो गया 116 का आधा 58 और आधा 29 हाँ ठीक है 4 से डिवाइड कर दिए ठीक है समझ में आया समझ में आया बच्चों वेरी गुड तो एक समझ में आया तो एक कैसे ही क्वेश्चन करते हैं फिर रिमेनिंग क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे अगले क्लास होमवर्क भी देते हैं चलो ये करो तो इसको लिख लो इसको लिख लो और ये क्वेश्चन चलो ये करो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि tan 2 is equal to cot a minus 18 या तो फिर दोनों को tan के टर्म में ले सकते हो या फिर दोनों को cot के टर्म में ले सकते हो अगर इसको tan में लिखेंगे तो पूरा एंगल को इससे माइनस करना पड़ेगा कॉम्प्लिकेट लगेगा इससे करो इसको लिख दो cot 90 minus 2 है दोनों को इक्वल करो चलो एक आंसर बताओ ये वाला क्वेश्चन है चलो एक एंगल एक आंसर होता है साहिल कर रहा है ना यस सर हाँ कुछ तो बताओ उसका आंसर बताओ ठीक है सर 36 डिग्री बाकी देखो सबका है 36 डिग्री 90 माइनस 28 108 3 है हाँ वेरी गुड एक एंगल कितना होगा 36 डिग्री आ गया सर सबका आंसर आया होगा आयुष आपका आया 36 डिग्री आया चला गया क्या चलिए लिख लिए ये वाला लिख लिए यस ओके चल आई होप क्लियर हो गया है क्लियर हो गया ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो पार्ट है थोड़ा बच्चे को थोड़ा अजीब लगता है
टू बाई थ्री, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, 58 माइनस 2 बाई थ्री कॉट 58 टैन 32 डिग्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस 5 बाई थ्री, अब मल्टीप्लाइड है सीधा यहाँ से इंटू में, टैन 13 डिग्री इंटू टैन 37 डिग्री इंटू टैन 45 डिग्री इंटू टैन 53 डिग्री इंटू टैन 77 डिग्री, ठीक है। 77 है लास्ट में, रुको, है ना, ये है टैन 77 डिग्री, ठीक है। सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन, देखो तो दिख रहा है, बोलो। 5/3 ब्रैकेट में ये चारों, ये 1 2 3 4 5, पांचों को पांचों मल्टीप्लाइड है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या टैकल करेंगे, सबसे पहले देखें एंगल, किस एंगल का सर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एंगल्स कौन कौन है। तो देखो तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों, 58 30 90 है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है। या तो फिर दोनों को 58 डिग्री में लिखेंगे या फिर दोनों को 32 डिग्री में लिखेंगे। हमको फायदा किस में होगा, 58 डिग्री में लिखने में होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ, सिर्फ वैल्यू 1 होगा। 2 बाई 3 और 2 बाई 3, देखो 2 बाई 3 हम क्या ले, कॉमन ले लेंगे, ध्यान से रखना। यहाँ पे 2 बाई 3, यहाँ पे 2 बाई 3, 2 बाई 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री ही बचा माइनस। देखो ध्यान से देखो, 58 डिग्री में रख रहे हैं तो कॉट को तो कॉट ही लिखेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को कॉट 58 ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा इस टैन को सीधा किसमें से कॉम्प्लीमेंट, टैन को अगर मैं सीधा कॉट लिखूं तो एंगल क्या करते हैं, 90 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो 90 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 58, करेक्ट। कॉट 58 इंटू कॉट 58 इंटू इजी, यहाँ क्या जाएगा कॉट स्क्वायर 58, समझ में आया, बोलो हाँ ना, बोलिए, बोलो बच्चों, यस सर, है ना, कॉट 58 इसको सब चला गया क्या, आप ही हो, ठीक है, cot 58, cot 58, cot square 58। अगर ध्यान से देखोगे cosec square theta minus cot square theta कितना होता है, कितना होता है, हम लोग तीन आइडेंटिटीज पढ़े थे ना, है ना, याद है, भूल गए दीपिका, हो भूल गए क्या होता है, सिर्फ x स्क्वायर बाय p स्क्वायर माइनस क्या बोल रहे हो, b स्क्वायर बाय p स्क्वायर, ये क्या बोल रहे हो, नहीं 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 गलत गलत गलत, तीन आइडेंटिटी बता दो, ये तुम लोग आयुष है कि चला गया। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos, ये है आइडेंटिटी। अब क्या x और y क्या पूछ, ठीक है, हम बोले थे आइडेंटिटी को सभी फॉर्म में याद रखना है ना। देखो sec स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, हेलो, तो सिमिलरली cot स्क्वायर थीटा को उधर भेज दोगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, 1। ये भी तो वही है, ध्यान से देखो, cosec स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब देखो एंगल से है ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 1, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किए, इन दोनों को सॉल्व किए तो यहां क्या है, 2/3 × 1, तो इसको सॉल्व किए तो इसको सॉल्व करके कितना आया, देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करके कितना आया, 2/3 आया, ठीक है, इतना आया 2/3 आया, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर। अब बचता ये वाला पोर्शन, सेकंड वाला पोर्शन, ध्यान से देखना, हम मिटा रहे हैं जल्दी जल्दी लिखते हैं। फर्स्ट वाला पोर्शन का कितना आया था, 2/3, ये वाला पोर्शन देखो माइनस के बाद क्या है, 5/3। अब ध्यान से देखो, 13 डिग्री 37 डिग्री 45 डिग्री 53 डिग्री 77 डिग्री, तो मुझे बताओ किन दोनों क्लब करेंगे, दीपिका
13 डिग्री को किसके साथ क्लब करेंगे? 77 डिग्री. क्यों? दोनों का सब कितना होता है 90. करेक्ट. बोलो सब चला गया है क्या? यस. 10:37 को किसके साथ क्लब करेंगे? 10:53. और बच गया वो क्या हो गया? 10:45 डिग्री. ठीक है. अब ध्यान से देखो ये दोनों को करेंगे तो कितना आएगा खुद बताओ. 13 डिग्री 77 डिग्री कितना आएगा है ना? इसको देखो मैं क्या लिखूंगा. इसको लिखूंगा कॉट. कॉट 13 डिग्री लिख सकता है? इसको मैं कॉट 13 डिग्री लिख सकता हूँ? बोलो हाँ ना. यस सर. तो अगर कॉट 13 डिग्री लिखेंगे 10 13 × cot 13 कितना आ जाएगा? ये करेंगे कितना आ जाएगा? 1. सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं लिखना है ठीक है. इन दोनों करेंगे कितना आ जाएगा? 1. और बच गया 10:45 का वैल्यू कितना होता है? 1. तो 1 × 1 × 1 कितना हो गया? 1. और बाहर में क्या 5/3 × 1 कितना हो गया? 5/3. और इसको सॉल्व किए थे तो कितना आया था? 2/3. इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3/3 का आंसर मतलब कितना हो गया? -1. बस खाली आपको लास्ट वाला स्टेप में लिखना है. चलो ये वाला और कुछ सॉल्यूशन नहीं लिखना है, बस ये वाला लिखना है. क्वेश्चन लिखने के बाद खाली ये वाला लिखना ठीक है. क्या हम समझाए हैं और बाद में अभी खुद कर लोगे. करेक्ट. इसको सॉल्व किए तो ये अंदर वाला 1 आया था, इधर भी पूरा 1 आया ठीक है. करेक्ट. और आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं. Is it clear? Quite doubt? Yes, sir. चलिए ये क्वेश्चन लिख लिया और सीधा हिंट लिखी, खाली हिंट ठीक है. इसका आंसर है -1. बस मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे ठीक है. लिख लिए? Yes, sir. साहिल लिख लिए तो हम क्लास ऑफ को ऑफ करते हैं ठीक है. थैंक यू.